आज थोड़ा सा अलग वीडियो ट्राई करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे आप घर पर बिल्कुल फ्री में किस तरीके से एक प्लांटेड एक्वेरियम बना सकते हैं इसके बारे में। इसके लिए बस आपको एक एक्वेरियम का ज़रूरत पड़ेगा। उस एक्वेरियम में ही आप बिल्कुल फ्री में एक प्लांटेड टैंक बना सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लांटेड एक्वेरियम बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक एक्वेरियम। अगर आपके पास एक्वेरियम नहीं है तो फिर आप कांच के जार में भी इसे बना सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कुछ प्लांट्स। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, इन प्लांट्स को मैंने नदी से ले आया, इसीलिए ये प्लांट्स मुझे बिल्कुल फ्री में मिल गया। अगर आपके आसपास कोई नदी है तो आप उसमें ढूंढिए, आपको ये प्लांट्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमें चाहिए मिट्टी। यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होता है वही लिया है, उसके साथ बस 20% कंपोस्ट अच्छी तरीके से मिला लिया है। इसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा सैंड। सैंड को आप अच्छी तरीके से पानी से धो लीजिए। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये कितना चमक रहा है, इस तरीके से आप धो लीजिए। इसके बाद हमें चाहिए कुछ पत्थर, ये भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद हमें चाहिए एक ड्रिप्ड वुड, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है यानी आप मैनेज नहीं कर सकते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसको भी मैंने खुद बनाया है। अगर आप इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा पॉट ले लेंगे। ये पॉट यूज़ करने से ही फायदा होगा कि जो मिट्टी होगा वो पूरे पानी में नहीं फैलेगा, और जब पानी में मिट्टी नहीं फैलेगा तो पानी गंदा नहीं होगा। इस पॉट पे हम मिट्टी भर लेते हैं। अब हम सैंड लेंगे और सैंड की मदद से इस पॉट को पूरा कवर कर देंगे, जिससे ये पॉट हमें नज़र ना आए, क्योंकि ये पॉट देखने में बुरा लगेगा, इसीलिए हम सैंड से इसे पूरा कवर कर देंगे। किस तरीके से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। पॉट को हमने पूरा कवर कर दिया है। अब हम इसके अंदर पौधे रखते हैं। पौधे को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे और अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला देंगे। अब हम पौधे के साइड में थोड़ा थोड़ा करके सैंड दे देंगे, इससे अपना पौधा जगह से नहीं हिलेगा और साइड में जो थोड़ा सा पॉट दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। हमारा पहला स्टेप अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम पूरे एक्वेरियम में सैंड यूज करेंगे और उस ऊंचे जगह का थोड़ा सा बराबर कर देंगे, जिससे कि वो अच्छा लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग आधा एक्वेरियम मैंने बराबर कर दिया है। अब हम इसके ऊपर कुछ पत्थर रखते हैं, इससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा।
अब हम फिर से सैंड यूज करके बाकी का हिस्सा भी पूरा कवर कर देते हैं। अब बारी है अपना ड्रिप्ट वुड यूज करने का। इस ड्रिप्ट वुड को मैं अपने एक्वेरियम के एक साइड में रखने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से। अब मैं ड्रिप्ट वुड के ऊपर एक पत्थर रख दूंगा। इन प्लांट्स की वजह से वो पत्थर दिखेगा भी नहीं और अपना ड्रिप्ट वुड पानी की प्रेशर की वजह से ऊपर भी नहीं जाएगा। ड्रिप्ट वुड के नीचे भी मैं थोड़ा सा पत्थर दे देता हूँ, इससे देखने में अच्छा लगेगा। अब मैं एक्वेरियम के पीछे की तरफ पत्थर से कवर कर देता हूँ। अब मेरे पास जो बाकी के पौधे हैं, मैं उनको भी यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ये जो पौधे होते हैं, इनको ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ता, इसीलिए मैं इसको बस पत्थर से कवर कर दूँगा। इससे ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। अब हमारा सेटअप का काम पूरा हो चुका है। अब एक्वेरियम के साइड में जो छोटे छोटे रेत या फिर पत्थर के टुकड़े लगे हुए हैं, एक स्प्रेयर से पानी स्प्रे करके हम उसे साफ कर देते हैं। उसके बाद हम एक्वेरियम में पानी भरेंगे। अब हम एक्वेरियम में पानी भरते हैं। जब भी आप एक्वेरियम में पानी भरें, तो सबसे पहले रेत के ऊपर कोई एक चीज रख दे। उसके बाद आप अच्छी तरीके से नेट से चाल के ही पानी भरे। इससे पानी में अगर कोई गंदगी होगा तो आपके एक्वेरियम में नहीं आएगा। इसके साथ साथ नीचे जो हमने पॉट का टुकड़ा यूज़ किया है, उसका यूज़ करने से रेत चारों तरफ नहीं फैलेगा। पानी भरना अब कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा रेत जो फैला है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। आप जब एक्वेरियम में पानी भरे, तब एक प्लास्टिक का पैकेट का यूज़ कीजिए, इससे रेत बिल्कुल भी नहीं फैलेगा।
हमारा प्लांटेड सेटअप अब कंप्लीट हो चुका है। अब आप ऑप्शनली डेकोरेशन के लिए इस तरीके का चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें फिश ऐड करते हैं। यही था आज का वीडियो। आप प्लांटेड एक्वेरियम का सेटअप बिल्कुल फ्री में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आप इस तरीके के और भी वीडियोस देखने चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।